हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये अभी रुद्रांश को मैंने नहलाया है और धूप आ गई है रूम में, तो यहीं पे उसकी मालिश वगैरह कर देती हूँ। आज गर्मी स्टार्ट होने लग गई, अभी धूप अच्छी खासी आने लग गई ना, और बट हवाएं चलती हैं तो उसके वजह से थोड़ा सा ठंडा लगता है, बाकी धूप बहुत तेज हो गई। आ गई गर्मी का सीजन, अब तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अच्छा, गर्मी आ गई तो आइसक्रीम खाएंगे, ऐसा क्या? हाँ देखो बा, पढ़ के सुनाओ पढ़ के। आई लव यू रॉबिन। अच्छा, सो आज है संडे और संडे वाले दिन देखो हमारे घर में क्या होता है। बस सैटरडे और संडे दो दिन इनको मिलती है भरपूर टीवी देखने के लिए, भरपूर टीवी, दोनों दिन ये भरपूर टीवी देखते हैं, बाकी पांच दिन ये लैपटॉप पे बैठते हैं और दो दिन ये टीवी देखते हैं, तो सात दिन ये अपने ऐसे करते हैं पूरे। मम्मा आज मेरे भाई को बर्थडे, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं बना पाया, क्या दूं? कार्ड बना दो, आप बता दो क्या? मैं बना लेके आता हूँ जल्दी से। सो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो काम है वो निपटाना है हमें, सो आज मार्केट जाना पड़ेगा उसके लिए, और आज है संडे, सो संडे वाले दिन ये घर पे हैं, तो मैं सोची आज ये काम हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर इनको छुट्टी नहीं मिलेगी, इनका ऑफिस रहेगा तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा, तो आज हम लोग सोच रहे हैं गाड़ी से जाके देख आते, देख के अगर चीज़ मिल जाएगी तो हम ले ले आएंगे, क्या लेना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, सो हम लोग जाएंगे शॉप पे, वहाँ देखेंगे एंड फिर वहाँ पे प्लान करते हैं कैसा क्या है, और आने क्या हुआ मुंह में नहीं देते बेटा। सो आपको अभी आने वाले ब्लॉग्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने के लिए, निकलते हैं, बस मैं कॉम कर लेती हूँ एंड ये लगे हुए हैं मूवी देखने के लिए, सो ये अपनी मूवी एंजॉय कर रहे हैं और मैं इनको लेके जाती हूँ पकड़ के, क्योंकि इनका बिल्कुल भी मन नहीं होता सैटरडे संडे, इनका बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि ना इनको लगता है मैं भरपूर आराम करूँ, सो मैं भी सोचती हूँ यार ठीक है सैटरडे संडे मिलते हैं आराम करना। चलो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ एंड मेरी फेस की हालत देखो क्या हो रही है, पहले मेरे को इस साइड पिंपल्स हो रहा था एंड फिर इसके बाद मेरे को यहाँ पे पिंपल्स हुआ, अब मेरे को यहाँ पे पिंपल्स हो रहा है, मेरा फेस की बहुत हालत ख़राब हो रही है, मेरे को जगह जगह पिंपल्स हो रहे हैं, बट कोई नहीं इग्नोर करो, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो और ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा केयर करेंगे तो और ज़्यादा फेस ख़राब होगा, इसलिए इग्नोर इग्नोर इग्नोर। चलो फटाक से रेडी हो जाते हैं, मम्मा कॉम कर लेती है एंड फिर निकलते हैं हम लोग। तो बाल टकली है, मुझे तो निकलने पड़ते। यस आपकी टकली है, टकली अब बस आपके भी बाल आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो आपको काम करनी पड़ेगी। चलो सो फाइनली मेरी फॉर्म हो गई है। ओहो बाबू देखते नहीं हो यार आप, देखो पापा को कितने जोर से चोट लग गई है, कहीं पे भी लगा देते हो आप साइकिल से। बेटा फाइनली हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, अंदर चलते हैं और देखते हैं जो हमको लेना है। बैग तो मैं भूल ही गई यार, कोई नहीं गाड़ी में ऐसे ही रख लेंगे, हवा बहुत तेज चल रही है। मैं आपको जोड़ने वाला, आपको बनाने वाला। अच्छा आपको मैप बनाना आता है? हाँ? इसमें दिल्ली कहाँ है बताओ जरा, कहाँ है दिल्ली? ये पूरा दिल्ली है, ये पूरा इंडिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या लिया आप, बस अपना चीज देखने लग जाते हो यहाँ आगे कि मैं क्या लूँ मैं क्या लूँ। रुद्रांस आके सबसे पहले अपने लिए चीज ढूंढता है कि मैं मेरे लिए क्या ले सकता हूँ, सही बात है, सब अपने लिए ढूंढते हैं, वो भी अपने लिए ढूंढता है। स्केटिंग शूज लेना है आपको, ले लें, बहुत बड़ा है ये तो, ये तो शायद मामा के साइज का है, दिखाओ जरा एक मिनट मैं ट्राई करके देखूँ, ये मेरे ही साइज का है ये देखो, मुंह टूट जाएगा, गिर जाएगी, बैलेंसिंग चाहिए रहता है, बैलेंस करना होता है, ऐसे चला सकते हैं ये अपने बस का नहीं है। आप स्मार्ट क्यों लग रहे हो, इतने सामान की लाइन में खड़े हैं तो अब लिया है तो लाइन में तो खड़े होना ही पड़ेगा, तो बस इतना सामने सामान लिया है, मिसाल आए हुए थे तो यहीं से ले लिया है, अब चलते हैं। ये हमारी शॉपिंग, पास तो बाय वन गेट वन था तो एक के साथ एक फ्री मिला है, चले। सो हमारी शॉपिंग कितनी सी हुई, पास्ता मैगी एंड शुगर लेनी थी यहाँ से, सो वो ले लिए, बाकी हमने यहाँ पे भी देखा जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाया, अब देखते हैं दूसरी दुकान जाके वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। आप पीछे से आ गया। अच्छा ना, जिस काम के लिए गए थे वो हमारा काम हो गया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ,
और हैप्पी के साथ साथ एक्साइटेड भी हूँ। और मैंने आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाया कि हम किस काम के लिए गए थे, क्या काम था, वो आगे जो ब्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उन सब में आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। सो आप लोग भी मेरे ब्लॉग का वेट करना एंड ढेर सारा प्यार देना। और अभी हम लोग बाहर से आए से पता क्या लेके आइए, देखो समोसा, समोसा लेके आए, समोसा के साथ हम लोग क्या पियेंगे, चाय। सो समोसा, चाय एंड चटनी। और यहाँ पर मैं रुदांश को बैठी हुई थी, थोड़ा सा उसका होमवर्क रह गया था तो उसको करवाने के लिए। मेरा समोसे खाने का मन नहीं हो रहा है। कहे समोसे का आलू नहीं खाती है ना तू? चलिए मैंने खा नहीं पा रही, दर्द हो रहा ना, चबाने में दिक्कत हो रही है मेरे को। सारा समोसा ले गए, अपना हिस्से का भी खा लिया, हमारा भी ले गए, बाबू का भी ले गए। हाँ, इतना इतना छोड़ के गए हमको, क्योंकि आलू मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ, इसलिए आलू आलू के अंदर की स्टफिंग जो रहती है वो खा लेते हैं, ऊपर ऊपर का मैं खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं खा लेती हूँ, पर ज़्यादा क्वांटिटी में आलू नहीं खाती हूँ। What are you doing? Nothing. Counting पढ़ रहे हो? No. 5 में 4 ऐड करो कितना होगा? 9. Good. क्यों? 9. Okay, 2 + 4? 46. Yes. दिया डिनर में बनाया है फ्राइड राइस, 2-3 दिन से राइस ही राइस खा रही हूँ, मेरे को ना यहाँ मुँह में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने फ्राइड राइस बनाया है। और मेरे साथ साथ इन लोगों का भी वही खाना हो रहा है क्योंकि मैं रोटी नहीं चबा पा रही हूँ। सो मैं लगा दूँ, राइस बन गया है। रोटी नहीं चबा पा रही, ब्रश मत किया करो, दांत पोले हो गए। दांत पोले नहीं हुए, दांत मेरी सही है, दांत है ही नहीं, पहली बात दांत पोले कहाँ से हो गए? मेरे दांत नहीं है, पूरे के पूरे दांत है, मेरे दांत में कमी नहीं है। मेरे को ना अंदर ना दर्द हो रहा है, डाल का जो एंड वाला जो पार्ट रहता ना वहाँ पे पता नहीं फुंसी जैसी कुछ हो गई ना, तो बहुत ज्यादा दर्द दे रही है, तो मैं रोटी वोटी को ऐसा कुछ चबा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं 2-3 दिन से राइस ही राइस खा रहे हैं, साथ में ये भी खा रहे हैं। सो बनाया है फ्राइड राइस और बन गया है, ये देखो कितना यमी यमी दिख रहा है, मस्त। उसमें मटर और आलू सब, मतलब जो थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स नहीं बोला वो सारे डाल दिए हैं, और बस अभी इसको सर्व कर लेते हैं एंड खाते हैं मस्त यमी यमी सा राइस। ये है हमारा यम सा राइस एंड इसके ऊपर थोड़ा सा हम नमकीन डाल लेते हैं। वैसे राइस के साथ दाल भी है अगर ऑप्शन में दाल चाहिए हो, बट दाल का टेस्ट बैठेगा नहीं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ऐसा ना कर्ड या रायता हो ना तो उसके साथ थोड़ा अच्छा लगता है फ्राइड राइस। वैसे दाल भी है, दाल रखी हुई है, तो दाल तो अगर ये लेंगे तो दे दूँगी, बट मैं तो नहीं खाने वाली, मैं सिर्फ राइस खाने वाली हूँ जो कि बहुत यमी से दिख रहे हैं। मम्मा जो टीवी में देख रहे हो वही सर्च कर लूंगी। अच्छा, आप टीवी में देख रहे हो और फिर इसमें सर्च कर रहे हो? रुद्रांश पीछे टीवी में देख रहा है एनिमल्स और फिर उसको अपनी कॉपी में सर्च कर रहा है। नाम पता है कि ऐसे ही सर्च कर रहे हो? ऐसे। नाम भी तो पता करो, तभी तो पता चलेगा कौन सा एनिमल है ये। और चलिए इस वीडियो में बस इतना सा ही है, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना, और किस टाइप के आप लोगों को ब्लॉग देखना है मेरे चैनल पे मुझे वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। इस वीडियो का मैं यहीं पैन करती हूँ एंड मिलूंगी आप लोगों से एक बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना एंड अपने परिवार का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।